Hi guys, this is Ruchira. Welcome to my YouTube channel. अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल. ओके, तो बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम रहती है, डलनेस, ड्राइनेस, रिंकल्स और पिंपल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी रहती है. तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन बता रही हूँ. दैट इज़ हमारा डेली स्किन केयर रूटीन. यस, डेली स्किन केयर रूटीन करके हम कैसे हमारी स्किन को अच्छा बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी. तो उसके लिए एक प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड अ CTM, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होगी. लेकिन आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आपको ये कंटिन्यू एटलीस्ट 6 मंथ्स तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी स्किन अच्छा रिजल्ट आपको दिखाए. सो ये CTM हमें कब करना है, कैसे करना है और कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में. सो एंड तक जरूर देखिए ये वीडियो. ओके, सो लेट्स सी द स्टेप्स. तो पहली स्टेप है क्लिंजिंग की, गाइस. सो क्लिंजिंग क्या काम करता है, हमारे स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट है वो सारी रिमूव करता है. सो क्लिंजिंग इज मस्ट. सुबह उठने के बाद जब आप उठते हो तब आपको क्लिंजिंग करनी है. अगर आपके पास क्लिंजर नहीं है तो आप फेस वॉश से भी आपका फेस धो सकते हो और रात को सोने से पहले भी आपको ये क्लिंजिंग स्टेप कंपलसरी करनी है. सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे करना है. ये सीटाफिल का क्लिंजर है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज. इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या नॉर्मल हो, ऑयली हो, यह हर एक स्किन टाइप के लिए चलता है. सो हमें थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं और हमारे स्किन के ऊपर हमें मसाज करना है. और हमें सर्कुलर मोशन में हमारे फेस के ऊपर ये पूरा प्रोडक्ट अप्लाई करना है. सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कीजिए ताकि जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन में अच्छे से, हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन कर सके. ओके, सो आई हैव डन विथ माय क्लिंजिंग स्टेप. तो आप जाके आपका फेस वॉश कर सकते हो पानी से या फिर आप कॉटन से आप वाइप कर सकते हो. लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब आप वाइप करते हो कॉटन से तब हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आपको कॉटन घुमाना है. ऐसे नीचे की तरफ कॉटन मत ड्रैग कीजिए, नहीं तो फिर हमारी स्किन भी धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाती है. इसीलिए हमेशा याद रखिए, आप कौन सी भी स्किन केयर की स्टेप कर रहे हो, आपका जो स्ट्रोक है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके, तो मेरी सारी डर्ट रिमूव हो चुकी है. तो मेरी फर्स्ट स्टेप पूरी हो चुकी है क्लिंजिंग की. सो क्लिंजिंग की वजह से अभी मेरी स्किन पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है. जो भी डर्ट था वो पूरा कॉटन के ऊपर आ चुका है एंड नाउ माय स्किन इज क्लीन. लेकिन क्लिंजिंग की वजह से क्या होता है गाइज, कि हमारे स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. तो अभी उस पोर्स को अगर हम लोगों ने क्लोज नहीं किया तो जब हम बाहर जाएंगे तो वो डर्ट वगैरह वापस से हमारे स्किन के अंदर आ सकती है. इसीलिए हमें क्लिंजिंग के बाद कंपलसरी सेकेंड स्टेप हमारी आती है टोनिंग की. सो टोनिंग हमें कंपलसरी करना है. सो द टोनर विच आई यूज इज दिस रागा प्रोफेशनल स्किन टोनर. तो मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन के बीच में है, इसीलिए मैं ये यूज कर रही हूँ. इनका रागा ब्रांड का ड्राई स्किन का टोनर अलग आता है. तो प्रोडक्ट्स में यूज़ करें उन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से जाके ऑर्डर कर सके बहुत आसानी से. सो दिस इज़ द टोनर. तो मेरा क्लिंजिंग होने के बाद मैं टोनर यूज़ करूंगी. हमेशा याद रखिए टोनर को थोड़ा सा शेक करना है, उसके बाद वापस से अगर आपका स्प्रे नहीं है टोनर तो आपको वापस से कॉटन के ऊपर टोनर लेना है. मैंने कॉटन के ऊपर टोनर लिया और मुझे सिर्फ डैब करना है. जब मैं टोनर को ऐसे घिसना नहीं है स्किन के ऊपर गाइस, सिर्फ एकदम हल्के हाथ से सिर्फ डैब करना है. टोनर क्या काम कर रहा है, मेरी स्किन के जो पोर्स है ओपन पोर्स वो क्लोज कर रहा है
और एक चीज़ याद रखिए गाइस, जब आप CTM की प्रोसेस करते हो तो इन तीनों के जो CTM है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, उन तीनों के बीच में एक एक मिनट का तो एटलीस्ट गैप रखिए, ताकि हमारे स्किन जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अब्जॉर्ब कर सके। सो सेकेंड स्टेप हमारी हो चुकी है, नाउ द थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। सो दिस इज एम्ब्रॉयलिस्ट का मॉइस्चराइजर, विच इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट मॉइस्चराइजर गाइज। इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, यू कैन यूज दिस मॉइस्चराइजर। ये इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है ना कि आपकी स्किन विद इन वन वीक बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं एक आपको टिप देना चाहती हूँ कि स्किन केयर में हमेशा ना अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज हमारे स्किन के लिए कोई भी लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए, अच्छे ब्रांड के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। तो पहले मैं मॉइस्चराइजर लगा के लेती हूँ। ओके, सो वापस से मैं सर्क्यूलर मोशन में मेरे पूरे फेस के ऊपर मेरा मॉइस्चराइजर स्प्रेड करूंगी। मैं मेरे तीनों स्टेप्स के बीच में गाइस एक एक मिनट का गैप रख रही हूँ, इसीलिए वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरह से मेरे स्किन के अंदर मर्ज हो रहे हैं। गाइस, सो आई एम डन विथ माई CTM प्रोसेस। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों में से कोई भी एक स्टेप मिस मत कीजिए, कंपलसरी ये तीनों की तीनों चीज़ें फॉलो कीजिए, आपकी स्किन बहुत अच्छी बनेगी गाइस, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी बनेगी। आपको फिर फेशियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, CTM से ही एकदम अच्छा सा ग्लो आएगा। अभी आप देख सकते हो कि मेरे फेस ऑलरेडी ग्लो कर रही है। आपको ये सुबह भी करना है और रात को भी करना है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए कि ड्राई स्किन के लिए क्या प्रोसेस है, ऑयली स्किन के लिए CTM की प्रोसेस क्या है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए वो भी वीडियो लेके आऊँगी और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।